हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, चाहे बड़ी बड़ी UPSC हो, छोटी छोटी भी, उन तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, कोई भी एग्ज़ाम स्टेट में जो है, आप व्यापम वगैरह कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम तो 10 क्वेश्चन आपको मान के चलिए, क्योंकि 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जो देखेंगे पुलिस वगैरह या आपका वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसके PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 मिनट इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बहुत सारा जो है नोटिफिकेशन अपडेट करता रहता हूँ। तो हाल ही में विश्व चागाज रोग दिवस, ठीक है जी, तो हाल ही में विश्व चागाज रोग दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 14 अप्रैल को जो विश्व चागाज रोग दिवस मनाने की जो परंपरा चलाई आ रही है। ठीक है, तो चागाज रोग जो गंभीर हृदय और पाचन संबंधित जो है परिवर्तन के कारण आपका जो है बनता है। ठीक, और इसी जो बहुत ही घातक हो भी सकता है। ठीक, इसीलिए लोगों को इस रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये वर्ल्ड हेल्थ यहाँ पर जो वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल जो है 14 अप्रैल को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, विश्व पूरा वर्ल्ड में जो है चागाज रोग दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख, ठीक है जी, हाल ही में कौन सी देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो पोइला बैसाख जो है हमारे भारत में देखेंगे तो आपका जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पे जो है मनाई जाती है, साथ ही साथ असम, बांग्लादेश के जो खासकर बंगाली समुदाय के द्वारा इसको मनाई जाती है, जहाँ लोग इस दिन अपने जो है जो रिलेशन के जो लोग होते हैं उनके साथ जो है मेल मिलाप करते हैं, नए नए कपड़े उपहार वगैरह शॉपिंग वगैरह यहाँ पे जो है एक तरह के जो है घर में जो एक पोइला बैसाख है, बहुत सारे व्यंजन वगैरह, तो एक तरह के कलर संस्कृति भी बेस्ट होती है ये जो है फेस्टिवल। ठीक है, जो एक खास करके जो है अपने प्रियजन मिल करके जो है खुद के रिलेटिव वगैरह में मेल मिलाप करके जो एक कला और संस्कृति भी बेस्ट होती है, तो खास करके बांग्लादेश के द्वारा मनाई जाती है। हमारे जो है भारत में पश्चिम बंगाल में भी इसको मनाई जाती है, असम वगैरह में, तो इसको याद रखना। बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और वर्तमान में जो है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधान शेख हसीना अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के जो करेंसी को बांग्लादेश के टका के नाम से जानते हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है? फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको यहाँ पे जो है IPPI करके यहाँ पे इसको बोलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, या IP है आपका, तो इसको IPPB करके शॉर्टकट में बोलते हैं। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है इन्होंने एक जो है सेवा स्कीम इन्होंने स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो मतलब जो है आपका जो ये आपके आधार के माध्यम से जो है आप जो पैसा घर बैठे यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो है आप जो है आधार कार्ड, मतलब आपको जो है इसमें एक काम कराना होगा, यहाँ पे जो इंडिया जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है आपको आधार कार्ड को जो है लिंक कराना होगा अपने अकाउंट से। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप जो है कहीं भी जो पैसा आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो जो ये आपका जो स्कीम जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी, तो इसमें सभी वगैरह यहाँ पे जो है आधार ATM की सेवा इन्होंने शुरू की है, मतलब जो आधार कार्ड से पैसा आप जो है कभी भी अपने जो है माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप पैसा यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने, तो नासा क्या चीज़ है, जैसे हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, तो वहीं अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, तो हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रूस, चाइना, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो यहाँ की सबसे राजधानी है जापान की। ठीक है, और यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है। अब फोमियो किस्दा यहाँ के जो है वर्तमान में भी जो है
प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अभी हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बिडेन यहाँ के दौरे पे गए हुए थे, तो यहाँ पे मेल मिलाप किए हैं जापान के प्रधानमंत्री से। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा पे, ठीक है, तो चंद्रमा पर जो पहला गैर अमेरिकी जो है एस्ट्रोनॉट जो है मिशन यहाँ पे संचालित किया जा रहा है, जो आपके अमेरिका और जापान के बीच समझौता किया गया है, और 2026 तक चंद्रमा पर उतारने के जो है एस्ट्रोनॉट को तैयारी की जा रही है। तो जो है मून मिशन है जापान और जो है अमेरिका के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। मून मिशन किसके किसके बीच, तो जापान और अमेरिका के बीच, ठीक है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो फूमिया किशिदा यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई के फुल फॉर्म क्या होता है जी, सेंट्रल ब्यूरो आप इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, संजय नायर को, अनुराग कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार को, अभी हाल ही में जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है जी, सीबीआई के जो उनको जो है निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, अनुराग कुमार, बड़ी एजेंसी है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नई नियुक्ति है, तो फिर स्टार लगा दियो मैं। सीबीआई की बात करूँ, इसका मोटो क्या है, तो इंडस्ट्रियल इंपरेटली इंटीग्रिटी इसका यहाँ पर जो मोटो होता है, ठीक है, उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा इसका जो है मोटो है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, फॉर्मेशन 1963 में इसकी जो है इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। आपको इसका जो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, जिसी के जो संयुक्त निर्देशक के रूप में अनुराग कुमार को बनाया गया है, तो सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो अध्यक्ष का निधन हुआ है उनका नाम क्या है, जैक क्लार्क, जेस सिम्पसन, एडम रिचर्ड या इनमें से कौन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैक क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जो है रह चुके हैं, ठीक है जी, जिनका हाल में जो है ओल्ड एज की वजह से उनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। तो आपको जो है याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने जो है ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या इन्वेस्ट को नहीं। तो हाल में जो फोन पे आप सभी जानते हैं, तो फोन पे आप यूज भी करते हैं, तो हाल ही में फोन पे ने जो है नेपाल में यूपीआई जो डिजिटलीकरण जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो नेपाल में यूपीआई के माध्यम से जो है बढ़ावा देने के ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जो है करने के मामले में जो है ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है फ़ोनपे ने, ठीक है। तो फ़ोनपे ने ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की, यहाँ पे जो है खासकर जो है नेपाल में यूपीआई माध्यम से पेमेंट को जो है आसान बनाया जा सके इसके लिए प्रमोट कर रही है, इसी के लिए जो है फ़ोनपे ने इसके साथ साझेदारी की गई, खासकर कि नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है इसके साथ समझौता किया गया, डिजिटली जो लेन देन है डिजिटलीकरण लेन देन को यह बढ़ावा देना है नेपाल में भी, तो इसको जो खास करके यहाँ पर जो है फोन पे इनके इसके साथ साझेदारी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, न्यूज नाउ, न्यूज़वीक, टाइम्स या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़वीक, ठीक है जी, न्यूज़वीक में जो है आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है, ठीक है। उसके बाद जो है आने वाले जो है मतलब जो है तो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका, तो न्यूज़वीक एक जाने माने जो पत्रिका है और बहुत पुरानी पत्रिका है, ठीक है, इसमें जो है कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले इस समय जो है कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसको आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बात किया गया है, तो इसको आपको याद रखें, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी ने इस न्यूज़वीक जो है इंटरव्यू वगैरह में चीन, आर्थिक सुधार और बहुत सारे जो है लोकसभा चुनाव के बारे में, राम मंदिर के बारे में, लोकतंत्र और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो विषय पे जो है बात की, लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है। तो न्यूज़ कवर यहाँ पे जो है यहाँ पे किया गया है, एक तरह का जो है पत्रिका है न्यूज़वीक। तो न्यूज़वीक क्या चीज़ है, तो बताया मैंने, एक तरह का जो जाना माना पत्रिका है, सबसे पुरानी ये जो है कहाँ के, ब्रिटेन के जानी मानी जो है पत्रिका है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पे जो है इस पत्रिका में कवर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, अलग अलग मुद्दे पे इन्होंने बात किया है, ठीक है जी, आप इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है,
दिलीप गर्ग, सुमिन सिंह, लोकेश मुनि या इनमें से कोई नहीं। तो आप तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकेश मुनि को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो जो बिडेन है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 में इनको जो है सम्मानित किया गया है। किस लिए इनको जो है जो अजैन आचार्य लोकेश मुनि को जो है सार्वजनिक रूप से ये इनको जो है सम्मानित किस लिए किया गया था, मानवतम उनके योगदान के लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण सेवक और सेवा पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित के समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए, ठीक है, मानवता के हित में काम करने के लिए इनको जो है दिया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु यहाँ पे बन गए। आचार्य लोकेश मुनि नाम सुने होंगे जो भारत के गैर सरकारी संगठन अहिंसा और विश्व भारत विश्व शांति के जो है केंद्र के संस्थापक भी हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो रहा है। ये जो पुरस्कार है जो अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की प्रेरक सेवा प्रदान करते हैं या प्रेरक जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं आसपास के जो लोगों को यहाँ पे प्रेरित करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे भारत की तरफ से जो है लोकेश मुनि को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुने होंगे तो किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो अवंतिका वंदनापू ये जो है अमेरिकी एक्टर हैं, हमारे भारत तेलुगु मूवी भी काम कर चुके हैं, तो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इनको जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन जो पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित इनको जो है दिया गया है, ठीक है। ये खास करके जो है इनको 2024 में, ठीक है, 2024 की जो संगीतमय कॉमेडी जो मींस गर्ल में जो है करण शेट्टी की जो भूमिका कर इनको जो है मतलब जो इनको जो है फिल्म के क्षेत्र में इनको जो है बेहतरीन जो है भूमिका के लिए जो है इनको जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इनको जो है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। तो आपका जो है फिल्म के क्षेत्र में इनको जो है मतलब उनको जो किरदार भूमिका के लिए अवार्ड उनको जो है दिया जा रहा है मींस गर्ल में, ठीक है। तो ये आपका जो हमारे भारतीय मूल के हैं अमेरिकी एक्ट्रेस है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते पर संशोधन किया, मॉरीशस, सिंगापुर, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरीशस। तो भारत और मॉरीशस देश ने दोहरे कर बचाव को जो है समझौते पे संशोधन किया, मतलब जो है जो एक तरह का जो है बिजनेस संबंधी जो टैक्स होते हैं जो अधिक से लग रही है उसको जो है या बहुत सारे जो है नियम को जो संशोधन किया गया, ठीक है, मॉरीशस और आपके भारत के बीच, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने जो है 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कर्म का खिताब जीता है, रमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह, रश्मि कुमारी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी। हाल में इनको जो है 12वीं बार, ठीक है, 12वीं बार जो इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। तो रश्मि कुमारी इनको जो है 12वीं जो है कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतकर जो है भारतीय कैरम के इतिहास में इन्होंने जो है अपना नाम दर्ज किया है, जो है 12वीं बार राष्ट्रीय जो है खिताब इन्होंने जीता है हमारे भारत की तरफ से, ये जो है जाने माने कैरम प्लेयर है। तो ये खिताब जो है रश्मि कुमार ने जो है 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने, ये तो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दे दी है, यूक्रेन को, नेपाल को, इजराइल को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हाल में जो है नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू, पुष्प कमल दहल यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है, और पौडेल जी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। तो भारत ने 35 एम्बुलेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति को यहाँ पे जो सुधार रहे हैं, यहाँ पे जो है मानवीय सहायता के लिए यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति यहाँ पे जो सुधार करने के लिए 35 एम्बुलेंस सेवा के क्षेत्र में जो मतलब हेल्थ सेक्टर में जो है मतलब उनके जो है स्थिति सुधार हो हेल्थ सेक्टर में, इसलिए 35 एम्बुलेंस और लगभग 66 स्कूल बस यहाँ उपहार के रूप में जो है नेपाल को जो है प्रोवाइड किया। कुछ दिन मैं करंट पेज पढ़ाया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 2 दिवसीय दौरे पे गए थे, वहाँ पे जो उनको जो सर्वोच्च सम्मान से नेपाल से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये जो है राशि इनको जो है यहाँ पे जो है आर्थिक जो स्थिति को सुधार करने के लिए यहाँ पे जो है दिया गया था। आप सभी को पता होगा नेपाल जो है हमारे जो है भारत से सटा हुआ जो है देश है और अच्छे संबंध भी हैं, तो खास करके जो भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध को जो है देखते हुए जो है भारत की तरफ से 35 एम्बुलेंस 66 स्कूल यहाँ पर उपहार के रूप में दिया गया है
और कुछ दिन बताया था मैं, 10 करोड़ रुपये जो है राशि यहाँ पे भारत तरफ से 2 किस्तों में इनको जो है प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ के जो है काठमांडू में स्थित यहाँ पे जो है नेपाल के जो अलग अलग अंचलों में जहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत ने यहाँ पे जो उपहार दिए, जहाँ पे जो है जो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे जो है ये सब व्यवस्था नहीं वहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो है ग्रामीण इलाकों में इनको जो है प्रोवाइड किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो वंदिता काल, याद रखें वंदिता काल को जो है हमारे जो है डाक विभाग का जो है सचिव के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर जो है पढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.1%। ठीक है, तो 6.1% मूडीज क्या चीज़ है? तो एक जो है रेटिंग एजेंसी है अमेरिका के। ठीक है, मतलब इसका जो कंट्री मेंबरशिप है, जैसे हमारा कंट्री भारत जो इसमें जो मेंबरशिप लिया हुआ, तो मतलब इस देश की जो अर्थव्यवस्था GDP दर इतना रहेगा, ऐसे करके जो है अनुमानित लगाती है। ठीक है, तो आप देखें कुछ दिन पहले मैं बताया था जो ADB ने भारत जो है GDP रेट कितना बताया था, इसको मैं बताया था। ठीक है, तो इसको जो है लगभग 7% ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको बताई है ADB ने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पिछले बार 6.5 बताया था, जिसमें सुधार करके 24-25 के लिए जो है 7% यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो मूडीज ने उसी तरह भारत की जो GDP दर 6.1% बढ़ने का अनुमान इन्होंने बताया 2024 के लिए। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू।